बिहार की पूर्व सीएम और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की वतन वापसी हो गई है। शनिवार को लालू प्रसाद यादव ने सिंगापुर से भारत के लिए उड़ान भरी है। इस दौरान उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके लोगों से कई आग्रह किए हैं। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर लिखा, आप सबसे एक जरूरी बात कहनी है। ये जरूरी बात हम सभी के नेता आदरणीय लालू जी के स्वास्थ्य को लेकर है। 11 फरवरी को पापा सिंगापुर से भारत जा रहे हैं। मैं एक बेटी के तौर पर अपना फर्ज अदा कर रही हूँ। पापा को स्वस्थ करके आप सबके बीच भेज रही हूँ। अब आप लोग पापा का ख्याल रखिएगा। पापा को स्वस्थ रखना अब आप सबकी जिम्मेवारी होनी चाहिए। एक दूसरे ट्वीट में रोहिणी ने लिखा, दुआ का रंग नहीं होता मगर ये रंग ले आती है। मन का विश्वास ना टूटे हमारा, यही आस आप लोगों से हमारा। करबद्ध निवेदन है आप सबसे, इतनी विनती स्वीकार करें। एक बिटिया के तप को ना जाने दे व्यर्थ कभी। मेरे पापा की सेहत का ख्याल रखना आप लोग सभी। आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है। ये किडनी उन्हें उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने ही दी है। इस ऑपरेशन के बाद से ही लालू यादव सिंगापुर में थे। वो अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के घर पर ही थे और वहीं अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। माना जा रहा है कि लालू अब भारत लौटने के लिए बिल्कुल फिट थे, इसीलिए उन्हें वापसी की फ्लाइट ले ली है। डॉक्टरों ने भी लालू यादव को ज्यादा किसी से मिलने से मना किया है। डॉक्टरों का कहना है कि यदि किसी को लालू यादव से मिलना है तो सबसे जरूरी है कि वो मास्क पहनकर ही लालू प्रसाद यादव से मिले। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू यादव सिंगापुर से आज लौटने के बाद बिहार की धरती पर कदम नहीं रखेंगे। सियासी जानकार मानते हैं कि लालू फिलहाल किसी तरह का तनाव नहीं चाहते। राजनीतिक सूत्रों की माने तो दिल्ली में बैठकर लालू प्रसाद यादव बिहार के साथ साथ दिल्ली की सियासत को भी अपने तरीके से साधेंगे। सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि लालू दिल्ली आने के बाद सबसे पहले कांग्रेस को साधेंगे। लालू को पता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सफल हुई है। लालू कांग्रेस के पुराने साथियों में से भी एक है। लालू कांग्रेस के साथ राजनीति गठजोड़ को और मजबूत करेंगे। नीतीश कुमार को बिहार में ही हवा देते रहेंगे कि विपक्षी एकता की कवायद तेज करें। लालू प्रसाद यादव एक तीर से दो निशाना लगाने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली प्रवास के दौरान लालू दिल्ली में सियासी शतरंज के मोहरों को सजा लेंगे, उसके बाद ही बिहार पर फोकस करेंगे। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।